जी सरदार रिंद साहब, आप मुझे दे रहे फ्लोर? नहीं, आप क्या करेंगे? सरदार रिंद साहब करें तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिले एहतराम जाम साहब, काबिले एहतराम वज़ीर ख़ज़ाना ज़ोर बुलेदी साहब, ऐवान के अराकीन और वो लोग जिन्होंने इस बजट में रात दिन मेहनत करके इस बजट को पास होने में मेहनत की, मैं आप सबको, जाम साहब आपके रुफका को, आपके कैबिनेट को, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 2020 और 21 का बिल मंजूर हुआ। मैं कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से पूरे सेशन में तो शामिल ना हो सका और मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे या मेरी जो जहन में कुछ चीज़ें थी, मैं वो डिस्कस करना था हाउस में, वो नहीं कर सका। और मेरे ख़्याल में ये भी अजीब सा है, क्योंकि जब पास हो जाता है एक दफ़ा बजट तो उस पर के बाद मेरे ख़्याल में फिर नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मगर मेरी मजबूरी है। मेरे इलाके कुछ बहुत अहम मसाइल हैं, वो मैं इस हाउस के और चीफ मिनिस्टर साहब के गोश गुजार करना चाहता हूँ, बशर्ते कि वो मेरे ज़ाती नहीं है, मेरे हलके के नहीं हैं, मगर मेरे डिवीज़न, मेरे इलाके के लोगों के मसाइल हैं। जाम साहब, इस वक्त तो जो सबसे अहम चीज़ है वो लोकेस्ट है, टिड्डी दल है, उसने पूरे इलाके को तकरीबन हमारे इलाकों को फारिग कर चुकी है। आपको पता है कि हम एक तो बरसाती इलाका है, बड़े अरसे के बाद बरसातें हुई, लोगों को एक उम्मीद बंधी और अच्छे साल के एक नवीद लेके आई वो बरसातें, मगर बदकिस्मती है हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बलूचिस्तान में हुई है, ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे खितों में, अफ्रीका से लेके एशिया के बहुत सारे मुल्क, मिड ईस्ट, और एक नया अटैक भी आने वाला है। जाम साहब को याद होगा कि हमने जब एक मीटिंग में कैबिनेट में बैठे थे उस वक्त भी मैंने अर्ज़ की थी कि जाम साहब मेहरबानी करके आप खुद, आपका डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत, क्योंकि ये उनका मैंडेट है, मेन मैंडेट उनका है, क्योंकि मैं खुद मिनफील्ड में रहा हूँ, ये पूरा एक डिवीज़न था, उसमें कोई 18-19 के करीब जहाज़ थे, चीफ पायलट थे, मैकेनिक थे, हमारे पास हैंगर था, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ थी उनको मेंटेनेंस की, मगर शोए किस्मत मैं ECC तक इस मसले को लेके गया। अभी भी हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ऊपर कुछ नहीं होता, ज़बान इतनी बड़ी होती है, वो बीच में कूद पड़े कि सर ये भी पायलट हैं, ये भी जहाज चलाते हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं। तो उस वक्त हमें इतनी अच्छी ऑफर मिल रही थी कि हमारे जहाज माशाल्लाह कायद आदम के बाद फौरन ये जहाज खरीदे गए थे, 60-70 साल पुराने थे, तो कंपनी ने कहा था कि ये हमें दे दें, इनके वजह हम आपको नए जहाज दे देते हैं। तो उन्होंने पूरी एक तफसील बताई कि नहीं, ये जहाज़ बड़े कीमती हैं, एंटीक हैं, ये बिक जाएंगे, 4 गुना कीमत मिल जाएगी, और इसको बजाय कि हम इसके फ्लीट को चेंज करें, हम थोड़े से पैसे डाल के ना ये फ्लीट को फिर खड़ा कर सकते हैं। और वो फ्लीट जो उस वक्त सोया हुआ था वो आज तक सोया हुआ है, बदकिस्मती इतना मुल्क का नुकसान हुआ और हम इसको रोक नहीं सके। सीज़न शुरू होने से पहले इसकी सेटेलाइट की पिक्चर्स आती है पूरी दुनिया से, खुद हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ये डेजर्ट्स में बच्चे देता है और वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं। तो मेरी अभी भी जाम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बैठें, एक कमेटी बनाएं,
क्योंकि आपके लिए एक मसला नहीं है, पूरी गवर्नमेंट है, पर हमारे लिए ये एक मसला है। जो छोटे फार्मर्स हैं, काश्तकार हैं, जमींदार हैं, जो डिपेंड इस पे करते हैं, उनके लिए बहुत अहम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बजट के बाद, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स होंगे चीफ मिनिस्टर साहब, उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो प्लीज़ एक कमेटी बनाएं और उसमें फार्मर्स को भी शामिल करें, ब्यूरोक्रेट्स को भी करें और टेक्नोक्रेट्स को भी बिठा के एक कमेटी बनाएं। ये सर डीसी, डिप्टी कमिश्नर और पीडीएमए के बस की बात नहीं है। ये एग्रीकल्चर का एक छोटा सा एक ऑफिसर वहाँ होता है 17-18 ग्रेड का, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जो बलूचिस्तान में आपको पता है कि शायद पंजाब के एक डिवीजन के बराबर है, उससे भी हमारी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी पूरे बलूचिस्तान के हवाले से जाम साहब से कि जितना जल्दी हो सके इसके लिए मेजर्स लिए जाएं। सर दूसरा मेन प्रॉब्लम है मेरे इलाके में, मतलब मेरी दो डिवीजन में, पटफीटर कैनाल, कीर्तर कैनाल। 2010 के फ्लड्स ने पटफीटर को ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं, मगर मेरे ख्याल में कोई 30-40% पे वो बच गया है, 60% उसकी सिल्टिंग हो गई है। हाँ, ये अलबत्ता अलहदा चीज़ थी कि इस पर 80 करोड़ भी खर्च हुए, मगर छोटे जो मेसी ट्रैक्टर हैं उससे उसकी डी सिल्टिंग की गई, जिसका फ़ायदा हमें और फार्मर्स को कुछ भी नहीं। मेरी जाम साहब से रिक्वेस्ट है कि इन दो कैनालों की डी सिल्टिंग के लिए भी प्रायोरिटी दी जाए, फॉरेन फंडेड के लिए, फंडिंग के लिए। जाम साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, पीएनडी के मिनिस्ट्री तो जाम साहब खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये आप इंतज़ार करें कि कब आपके पास आए, कब मार्केट से आपको शेयर मिले, कब एनएफसी अवार्ड हो। बड़ा अच्छा एक उर्दू का शेर है, मैं मुझे इस वक्त याद नहीं, हो सकता मैं गलत पढूं तो एक मजाक बन जाए। तो उस वक्त तक हम तो जो कहते हैं कि सर होने तक हम तो खाक हो जाएंगे। नसीराबाद तकरीबन फारिग हो चुका है जाम साहब, 50% लोग अपनी ज़मीनें बेच चुके हैं, सिंध माइग्रेट कर गए, उनको सख्त प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ आप, मुझे यकीन है कि सिर्फ मरकज़ के अलावा भी आप कोशिश करेंगे उनके लिए कि कुछ ना कुछ करें। और ख़ास तौर पे मैं अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब असम्बली में बैठते हैं तो बहुत सारे इशू को छेड़ते हैं, मगर अफसोस है कि वो हमारे इलाके को भूल जाते हैं। मुझे यकीन था कि शायद वो हमें भी याद करेंगे। जब सर किसी को भेज नहीं देते अपोजिशन वालों को? सॉरी, सलीम वजन के हिसाब से बराबर है, सलीम और आरिफ जान जाएं, वैसे भी जोड़ी है। सर ये दो अहम प्रोजेक्ट हैं हमारे डिवीजन के, और एग्रीकल्चर पूरी बलूचिस्तान की मेरे ख्याल में 80% इन दो कैनालों पे डिपेंड करती है, पिर्रा कच्छी कैनाल। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शायद पूरे बलूचिस्तान की मुकद्दर को चेंज कर देता। यहाँ गरीबों की जो हालत है आज, शायद वो बहुत बेहतर हो चुकी होती। आपके जाम साहब हुकूमत के जो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, इनमें शायद बहुत सा फर्क आ जाता। तो मुझे यकीन है इस फंड बजट के बाद, और हाँ जाम साहब अगर वो चाहें, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, अगर चाहें तो हम भी जाम साहब के हमनवा हो सकते हैं और उनके साथ मिलके इसके फंडिंग के लिए हम कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं।
दूसरा जाम साहब आपकी बहुत मेहरबानी, वो कहते हैं गेम चेंजर्स, आपकी मेहरबानी से एक प्रोजेक्ट है बोलान डैम, ये हमारे कच्छी का गेम चेंजर है और ये 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है फर्स्ट फेज में। और मैं खुद और मेरे इलाके के अवाम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस दफ़ा उस पर 60 करोड़ रखे गए और मुझे बुलेदी साहब से यकीन है कि 60 करोड़ हमें रिलीज़ हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे ये ना हो 60 करोड़ के बजाय 60 लाख रुपए रिलीज़ हों, मुझे यकीन है कि ऐसे नहीं होगा। जाम साहब ने जो फराखदिली दिखाई है और जो कमिटमेंट की है कि जैसे जैसे इसका काम बढ़ता जाएगा हम एक्स्ट्रा रिलीज आप लोगों को देते जाएंगे, जाम साहब इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक और मेन चीज़ जो आपने खुद जिक्र किया और फिर हम उसके पीछे लग गए, गंदावा 2 N65 डाडर, ये भी एक लिंक रोड नहीं है, ये एक नालवर रोड नहीं है, ये एक कनेक्टिंग रोड है फ्रॉम क्वेटा डाडर झलमक्सी शहदादकोट और ग्वादर। दूसरा अभी भी टूटी फूटी रोड है, कहीं कंप्लीट है कहीं नहीं है, उसके बावजूद भी लाड़काना शहदादकोट गंदावा और ये लोग क्वेटा के लिए उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, अभी भी सिंध की ये एक लिंक रोड है पूरी। जाम साहब असल में इसकी जो सर्वे हुआ था वो 3 बिलियन हुआ था, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इस साल उसके लिए 1 अरब रुपए रखूंगा, मगर अभी पेपर्स में मैंने देखा है ये 15 करोड़ रुपए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को, तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन की स्टैंडर्ड्स का, ऐसे ना हो कि 10 साल 15 साल के बाद जब तक पहला पीस उसका शुरू हो, पहला पोर्शन शुरू हो, नेक्स्ट पोर्शन जो है उसका उखड़ के ख़त्म ना हो जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत नॉमिनल, बहुत कम पैसे हैं, ये मेहरबानी करके इसको जितना जल्दी हो सके इसमें अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, और बुलेदी साहब बैठे हुए हैं इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फेवर करेंगे। ये 2-4 प्रोजेक्ट हैं मेरे इलाके के लिए, मेरे लोगों के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं अगर इन पे आप अभी अगर अपनी कोई अच्छी सी कमिटमेंट हमें दे दें तो हमें बड़ी खुशी होगी, ताकि हम अपने लोगों को आपका ये मैसेज हम उनको कन्वे करें, ताकि जो 7 दहाइयों से एक महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद इन वजहों से उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। अभी एक दोस्त ने, सरदार साहब डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जी सर, तवसत से स्पीकर के तवसत से पर रिक्वेस्ट करें, डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर को। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि देना उसने है इसलिए मैं आपके तवसत से उनसे, चेयर यहाँ पे अभी इधर, अरे अपना अपना, आई एम रियली सॉरी, मजाक कर, मैं आपके तवसत से एक और आखिरी रिक्वेस्ट, हाँ, फिर तो मिलना ही नहीं है। ये 12 बिलियन के एयर एम्बुलेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी फ्लाइंग की, 2.5 अरब की, कितने की, 2.5 बिलियन, ये भी बहुत बड़ा पैसा है जाम साहब, मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सिर्फ क्वेटा के लिए ना खरीदें, कि वो जेट इंजन उसमें हो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर आप खरीदें मगर टर्बो प्रॉप खरीदें, ताकि बलूचिस्तान के जो टूटे फूटे एयरपोर्ट्स हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी इमरजेंसी हो तो उसमें लोगों को आप रेस्क्यू कर सकें, ऐसा ना हो। अभी भी आपका एम्बुलेंस, जो आपकी एम्बुलेंस कह रहा हूँ, आपका जहाज़ भी एम्बुलेंस का काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आम आदमी को उस पर एक्सेस हो और नॉमिनल उसके चार्जेस हों, ताकि हर आदमी, अल्लाह ना करे उसको इमरजेंसी हो, उसको एक्सेस हो इस एम्बुलेंस तक। मैं आपके तौसत से जाम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर आपका स्पेशली, अगेन आपने मुझे इतना टाइम दिया, और मैं अपनी जो गुजारिशात थी वो चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर फाइनेंस को रिक्वेस्ट की, मुझे उम्मीद है कि उसका वो
मुस्बत जवाब देंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया सरदार साहब जी। सरदार जी जी सिर्फ एक सेकेंड के इतनी मेहनत पूरे इस बजट में आपके लोगों ने की है, मेरे अलाउंसेस और तनख्वाह मिला के कोई कितने 5-6 लाख बनते, कितने बनते एक मेंबर के कितने बनते साथ? मेरी जितनी पे है ग्रेड 1 से लेके 16 तक, आज मैं असम्बली के जितने लोअर ग्रेड के वर्कर हैं ग्रेड 1 से 16 तक, मैं उनको अपनी तरफ से तोहफे के तौर पे पेश कर रहा हूँ। थैंक यू जी। सरदार नौबजादा साहब ने कहा कि ऑनरेबल मेंबर ने कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में जो रिजर्वेशंस पेश किए हैं यहाँ पे, तो मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारा पटफीडर कैनाल है उसकी सिचुएशन पिछले साल से बहुत बेहतर है, क्योंकि उसके कुछ पोर्शन जो था वो हमने डिपार्टमेंटल उसको डीसिल्ट कराया और उससे इस वक्त हमारी कैपेसिटी जो है हम 6000 क्यूसेक पानी ड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा जो एक इसका पोर्शन था पैकेज 3 जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस करना था, वो इस साल उन्होंने हमें फंडिंग उसकी नहीं दी पैकेज 3 की, तो उसके बहरहाल हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर हमें वो फंड्स मिल जाते हैं तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है पटफीडर कैनाल का उसको हम कंप्लीट कर सकेंगे। खिरतर कैनाल की सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है NWC पे, नॉर्थ वेस्ट कैनाल, जहाँ से फिर खिरतर जो है ऑफ टेक करता है NWC से, तो 70-30 पे 30% फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करेगी उसका और 70% गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी, कि हम उसको अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी पे ले आएँ। इस वक्त हमारा जो शेयर है NWC में बलूचिस्तान का वो है तकरीबन 2400 क्यूसेक, लेकिन इस वक्त जो हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं वो 1900 क्यूसेक हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अगर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर अगर ये काम हो जाता है इस कैनाल का, तो हम अपने मैक्सिमम शेयर जो है हमारा 2400 क्यूसेक इंशाल्लाह ड्रॉ करेंगे। और पट फीडर का जो अगर हमारा जो बेसिक आफ्टर रीमॉडलिंग इसका जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो है 8500, अगर वो रीमॉडल इंशाल्लाह हो जाता है, फेडरल गवर्नमेंट हमें फाइनेंसिंग मतलब देती है और इसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो इंशाल्लाह उसकी कैपेसिटी भी 6700 से 8500 तक आ जाएगी। नंबर 3 पे कच्ची कैनाल, इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने उसके लिए 22 बिलियन एयरमार्क किया है, बट मुझे ये पता नहीं है कि ऑथराइजेशन कितनी की गई है उसके लिए इस साल के लिए, वो अभी तक मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बट हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की, हमारी मतलब जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है कोशिश मेरी ये है कि मिनिमम से मिनिमम पानी के लॉसेज हों और ये कोशिश है कि मैक्सिमम हम पानी ड्रॉ करें। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि सिंध इरिगेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके और ये जो पटफीडर का इशू और किरतर का इशू उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि कुछ हम उनसे ज़्यादा पानी लें। तो मैं खाली ये एक्सप्लेन करना चाहता अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो ऑनरेबल मेंबर को कोई रिजर्वेशन है तो मैंने कहा मैं उनको बता दूँ। जी शुक्रिया जी। सरदार साहब जनाब, जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने बात की थी शायद आपको समझने में वो नहीं हुई हो, मैं मदद चाहता हूँ। 2010 में जब फ्लड्स आए थे, आपको याद है कि इसकी तकरीबन मोर देन 50% ये सिल्ट बार हो गया था, तो उसके बाद एक हुआ था, ये आपसे कोई मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपके दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यकीनी तौर पे इस वक्त भी जो हालत है इस वक्त टेल में पटफीटर और कीर्तर के, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो की शक्ल में या दूसरे शक्ल में वो भी मैं आपको पेश कर सकता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके वक्त में कोई हुआ है, हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है और पूरे बलूचिस्तान के हमारे डिवीजन के लोगों का प्रॉब्लम है। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए आप जहां हमें कहेंगे हम आपके साथ होंगे, सूबाई हुकूमत में, मरकज़ में, मगर क्योंकि आपके इलाके का भी डिपेंडेंट आप भी उसी पे हैं, हमारे बच्चों की भी रोज़ी रोटी उसी पे है, मगर इस वक्त हमारे लोगों को सख्त प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो पहले कुछ हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है आपके दौर में शायद कोई बेहतरी की अल्लाह कोई रास्ता निकले। थैंक यू जी। शुक्रिया सरदार साहब जी। केतरा साहब, सरदार केतरा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, उसको आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझें या क्या, कि आज जो
कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर एक दहशतगर्द हमला हुआ है जिसमें हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के कुछ बंदे शहीद हुए और वो हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद यह था कि स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करने का, कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो स्टॉक एक्सचेंज होती है उसको नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, वो अपने नापाक अजायम में कामयाब नहीं हो सके और जिस तरह हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के अहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है स्टॉक एक्सचेंज उसको महफूज बनाया। मैं तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि जो इस बुजदलाना कार्रवाई जो इन्होंने की है दहशतगर्दों ने, उसमें हमारे जो सिविलियन या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अफराद शहीद हुए उनके लिए एक फातिहा करा दें और उसके बाद फिर मैं बजट पे दो मिनट लूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा। पहले फातिहा कर लिए अगर करा दें। जी शुक्रिया। दुआ करने सब बैठा हुआ है। इस वाक़े का जितना मजम्मत किया जाए कम है, पूरा हाउस की तरफ से हम मजम्मत करते हैं। मौलवी साहब दुआ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अलाकिबतु लिल मुत्तकीन व सलातु व सलाम अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अग़फिरहुम व अरहमहुम व तजावज अनहुम। اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب। اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بالحسنات। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا। اللهم من نحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان। إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अल्लाह ताला का करम है कि पिछले साल हम तकरीबन दो बजट इकट्ठे पेश हुए, अब ये हमारी हुकूमत का तीसरा बजट था। मैं तीसरा आगे आपके दो बजट हैं बाकी। नहीं सर, आप एक वो जो कद्दूस साहब की हुकूमत में आया था फिर वो बजट तो नहीं चला, एक वो बजट हमारे खाते में आ गया, एक दूसरा ये तीसरा है 21-22 का, 22-23 का, चार बजट मतलब है आपके दो बजट बाकी हैं। अब चलो दूसरा कर ले या तीसरा, चलो दूसरा सही। तो मैं इसमें अपने कैद ऐवान जाम साहब को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ज़हूर बुलेदी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, ACS डेवलपमेंट सेक्रेटरी फाइनेंस, हमारे वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिद साहब, उनका आदिल बुकटी और बाकी स्टाफ, बाकी PND का जो दिन रात उन्होंने प्रिंटिंग फाइनेंस मेहनत की, मैं सबको अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि हमारी तो जिंदगियां इसी असम्बलियों में मतलब इसी सियासत में गुजरी हैं। अब पहले मैं तीन कहता था, अभी चलो दो कह लेते हैं। ये दो बजट बलूचिस्तान की तारीख में तारीखी बजट थे। ये नहीं है कि किसी को हमने सोने के कमरे बना के दे दिए या चांदी की सड़कें बना के दे दी। बुनियादी तौर पे जो होता था कि PND में फाइनेंस में एक मार्केट लगती थी और इस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ कि रात को सुबह को जब बजट पेश हो रहा था सुबह 6-5-6 बजे मैं आसिम कुर्द गेलू ये हम लोग सारे तकरीबन सारी रात उधर जागरा करते थे और स्कीमें डलवाते थे, कारोबार करते थे, कारोबार ही समझें कि लेन देन होता था। अब ये दूसरा बजट है, मैं चैलेंज पे कहता हूँ
ये क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता है, मेरे कायद को जाता है। मैं कायद तो नहीं कहूँगा, उनको सुपर कंप्यूटर कहूँगा, क्योंकि उन कंप्यूटर तो बाकियों के पास भी लैपटॉप शैपटॉप हैं, लेकिन वो जो एक के साथ मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी उसने कहा यार संभल के बात करो, ये बातें भी जो है ना जाम साहब अपने उस पर शायद लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सुनेगा। तो सुपर कंप्यूटर जब मौजूद था तो मैं चैलेंज पे कहता हूँ तो मतलब मीडिया और अपने ऐवान और अपोजिशन को कि एक 10 रुपये की भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। जो डिज़र्विंग थे, जो डिपार्टमेंट ने जहाँ से रिकमेंड होके आए वही स्कीमें आई, चाहे वो अपोजिशन की थी या हमारी थी, जिन जिन हलकों की थी, जो डिज़र्व करते थे, जिनकी ज़रूरियात के मुताबिक थी वो दी गई। और मेरे लिए तो इसलिए भी तारीखी हैं कि वो जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था जेल या रेल, तो मेरी तो रेल बहुत कम है, जेल ही जेल है।